वनडे सीरीज में ऑफ स्टंप के बाहर सूर्य कुमार यादव की कमजोरी उजागर हुई। जी हाँ, थोड़ा सा एक दो वनडे में लगातार एक ही तरह से आउट हुए, कॉट ऑन द क्रीज, एक तरह से स्लिप में ग्लाइड करते हुए, तो ये चीज थोड़ा सा, क्योंकि T20 क्रिकेट में स्लिप नहीं होती है तो आप कभी कभार बच जाते हो, बट जैसे जैसे बड़ा क्रिकेट होगा और उनको टेस्ट के लिए भी लोग बात कर रहे हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में खेलना चाहिए, तो ये चीज मुझे लगता है उनको सुधारनी होगी। अत्यधिक प्रयोग और बदलाव की वजह से वनडे में भारतीय टीम सेट नहीं हो पा रही है। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ज्यादा टैलेंट पूल हो और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो, ये कभी कभार आपके लिए दिक्कत पैदा करते हैं, तो कहीं ना कहीं 18-20 प्लेयर भारत को चॉकआउट करने चाहिए कि ये आपकी कोर टीम है और उसी पे फोकस करना चाहिए। सैमसन की जगह पंत पर टीम मैनेजमेंट का लगातार भरोसा भारत को भारी पड़ रहा है। जी हाँ, एक हद तक आई फील कि थोड़ा सा सैमसन क्योंकि इतने बढ़िया फॉर्म में है और उनको थोड़े से कंसिस्टेंट रन नहीं मिल रहा है, तो आई फील वो डिजर्व करते हैं कि थोड़ा T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट हो, उनको एक कंसिस्टेंट 8-10 मैच का रन मिले। दीपक हुड्डा ने सीरीज में जगह पक्की करने का बड़ा मौका गवा दिया। हालांकि एक ही मैच मिला था तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि उन्होंने मौका गवा दिया, ये थोड़ा एक प्लेयर के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में भी उनको सिर्फ एक ही मैच मिला था, फिर ड्रॉप हो गए, यहाँ पर भी उनको एक ही मौका मिला जिसमें उनको बैटिंग आई, तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जी हाँ, उनको थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए कि उनको इसी तरह एक आधा मौका मिलेगा जहाँ पे उनको रिजल्ट देना है। वॉशिंगटन सुंदर ने सफेद गेंद क्रिकेट में रविंद्र जाडेजा के विकल्प के तौर पर खुद को साबित किया है। जी हाँ, बहुत कमाल की यू नो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, खास करके बल्लेबाजी में बहुत, दोनों ही मैच के अंदर भारत बड़े ही डिफिकल्ट सिचुएशन में था और वहां पर आकर जिस तरह से हर शतक उन्होंने बनाए और बॉलिंग भी काफी बढ़िया की, इकोनॉमिकल बॉलिंग की, पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, तो आई फील के एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर बनने के संकेत उनके अंदर। पिछले कुछ मैचों से झलकने लगा है कि भारतीय टीम बहुत जल्द ही हिम्मत हार जाती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, हालांकि थोड़ा सा कंडीशंस मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल थी, भारत दोनों ही जो मैचेस हुए उसमें टॉस हार गया, बल्लेबाजी ऐसे समय पर आई जहां पर बॉलर्स के लिए थोड़ी कंडीशंस हेल्पफुल थी, बट आई फील के जब आप वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो तो थोड़े आपके पास थोड़े और बेहतर आंसर होने चाहिए।